हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी 2 प्रो और रियलमी 3 प्रो के बीच में एक कैमरा टेस्ट के बारे में। कैमरा टेस्ट की बात करने से पहले मैं बता दूं, रियलमी 2 प्रो की कॉस्ट 14,990 है और रियलमी 3 प्रो की प्राइस जो है वो 13,990 है। अब मुझे नहीं पता कि अभी उसका प्राइस रियलमी 2 प्रो का गिर के कितना हो गया है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करते हैं और जानते हैं कैमरा के अदर फीचर्स के रिगार्डिंग, कि अदर फीचर कैमरा के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, लाइक कैमरा कैसा है और क्या क्या कैमरा में फ़ीचर है ये सब। और उसके बाद मैं आपको कैमरा सैंपल दिखाऊंगा और आप फ़र्क देख करके हैरान रह जाओगे, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी देख रखी है, तो मैं सच में हैरान हूँ। दोनों ही फ़ोन में आपको जो है एक्सपोजर और iOS कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। दोनों में डिजिटल जूम है, दोनों में नहीं, रियलमी 2 प्रो में डिजिटल जूम है जबकि रियलमी 3 प्रो में 2x डिजिटल जूम है, ठीक है। ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, बाकी सारी चीज़ें दोनों में है। पिक्सल साइज दोनों का सेम है और अगर बात करें सेंसर की तो सेंसर भी दोनों में एक्सोम RS CMOS सेंसर दोनों में लगा हुआ है। इसके अलावा बात करें ऑटो फोकस की तो वो सिर्फ रियलमी 2 प्रो में है, 3 प्रो में भी है, सॉरी। स्मूथनेस दोनों में सेम है। रेजोल्यूशन ऑफ कैमरा बात करते हैं तो Realme 2 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है जबकि Realme 3 Pro में आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 25 मेगापिक्सल का मिल जाता है। दोनों के एपरेचर f2.0 हैं, सेम टू सेम। वीडियो रेजोल्यूशन क्वालिटी भी 4K तक दोनों जाती है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों में जो है फ्रंट कैमरा के जो प्राइमरी सेंसर हैं वो बिल्कुल सेम है। रियर कैमरा की बात करें तो Realme 2 Pro में 16+2 मेगापिक्सल का सेंसर है जबकि Realme 3 Pro में 16+5 का है। अब आगे हम लोग जो है टेस्टिंग देखते हैं और देखते हैं कि कैसा फ़ोन है और आपको कैसा लगता है, वो आप ज़रूर बताना कमेंट में। ओके गाइस, तो बड़े ध्यान से फोटोज़ देखना। लेफ्ट में है Realme 2 Pro, राइट में है Realme 3 Pro। पहले नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं, फिर HDR, उसके बाद पोर्ट्रेट। यहाँ पे रियर कैमरा में आप देखोगे तो Realme 3 Pro में फ़ोटो जो है हल्की सी येलोइश हो गई है, जो फ्यूचर अपडेट में ठीक होगी, लेकिन अभी के मामले में Realme 2 Pro बेस्ट है। फ्रंट नहीं, रेयर कैमरा की बात मैं कर रहा हूँ। रेयर कैमरा आप देख सकते हो, लाइट्स HDR में भी किसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट में बोलो। पोर्ट्रेट देखो, पोर्ट्रेट Realme 3 Pro का तगड़ा है, लेकिन फिर से फेस जो है वो येलोइश है हल्की सी। बाकी 2 Pro की फ़ोटो बेस्ट है। फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा Realme 3 Pro as compared to Realme 2 Pro। नॉर्मल फ़ोटोज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसके आगे है HDR फ़ोटोज़, तो HDR फ़ोटो में भी देखेंगे आप, पीछे जो बादल है वो साफ से दिख रहा है Realme 3 Pro में, और ये एक अच्छी बात, जबकि Realme 2 Pro में पूरा उजला कर दिया है, पीछे का कोई ध्यान नहीं। यहाँ पर पोर्ट्रेट देखेंगे आप फ्रंट की, तो Realme 3 Pro की ज़बरदस्त है। रेयर कैमरा के मामले में 2 Pro बेस्ट है, फ्रंट कैमरा के मामले में 3 Pro बेस्ट है, जैसा मुझे लगा। आप अपनी राय बताओ। ओके दोस्तों, ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, लेफ्ट साइड में हमारे हैं Realme 3 Pro और राइट साइड में है Realme 2 Pro। आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, किस टाइप का कैमरा क्वालिटी है यहाँ पर, लो लाइट में और हे लाइट में, जैसा भी लाइट है यहाँ पर इस लाइट में। ओके दोस्तों, ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे हाथ में लेफ्ट साइड में जो है वो है Realme 3 Pro और राइट साइड में जो है वो है Realme 2 Pro, और आप देख सकते हो कि कैमरा क्वालिटी किस तरह के यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है।